हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे वीवो V17 के बारे में। और ये जो है वीवो का V17 और इसमें जो है पैटर्न लॉक पड़ा है। आपका अगर वीवो का V17 या तो वीवो V17 प्रो है और इसमें जो है पैटर्न लॉक पड़ा है, या तो पिन या तो पासवर्ड कुछ भी लॉक पड़ा है, तो आप इसको कैसे खोल सकते हो आज का वीडियो में मैं बताऊंगा। अगर आप दूसरा कोई YouTube में वीडियो देखे हो और हार्ड रीसेट करने की कोशिश कर रहे हो तो हार्ड रीसेट नहीं होगा। मैं एक बार हार्ड रीसेट करके भी दिखाऊंगा और उसके बाद आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसमें कि आप आराम से खोल सकते हो, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग इसको हार्ड रीसेट करते हैं, उसके बाद मैं आपको सेकेंड ट्रिक भी बताऊंगा। तो पहले आपको अगर हार्ड रीसेट करना है तो मोबाइल को स्विच अप करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं पहले मोबाइल को स्विच अप कर लेता हूँ। देखिए, मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि मोबाइल को मैंने स्विच अप कर लिया। स्विच अप करने के बाद मैं क्या करूंगा ना, इसको एक बार हार्ड रीसेट करने की कोशिश करूंगा। देखिए, वॉल्यूम का प्लस बटन को प्रेस करके रखना है, उसके बाद आपको पावर बटन प्रेस करना है। ये देख सकते हो रिकवरी मोड आ गया। उसके बाद आपको वॉल्यूम का माइनस बटन प्रेस करना है, रिकवरी मोड पे जाना है और पावर बटन प्रेस करना है। और जैसे ही आपका रिकवरी मोड आएगा तो आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। देखिए, इधर जो है रिकवरी मोड आ गया, इधर आपको क्लियर डाटा के ऊपर क्लिक करना है, क्लियर ऑल डाटा के ऊपर क्लिक करना है। और इधर आपको बता रहा है कि आपका जो भी डाटा है डिलीट हो जाएगा, तो आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद इधर जो है पैटर्न लॉक मांग रहा है, मतलब आपका बिना पैटर्न का ये जो है हार्ड रीसेट नहीं होगा। तो आप इसको कैसे अनलॉक कर सकते हो, तो आपको इसको बैक कर देना है और बैक आ जाना है और इसको रीबूट क्लिक कर देना है, रिस्टार्ट आपको कर देना है। ये मोबाइल जो है रिस्टार्ट होना स्टार्ट हो गया। जैसे ही आपका मोबाइल रिस्टार्ट होके आ जाएगा तो इसमें आप क्या करना है ना, सिम लगा देना है और इसमें डाटा ऑन रहना चाहिए और आपका लोकेशन ऑन रहना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको दूसरा वाला कोई भी आपका घर में किसी का भी मोबाइल है उसको ले लेना है। और लेने के बाद आपको क्या करना है, क्रोम ओपन कर लेना है, ठीक है। क्रोम ओपन करने के बाद इधर आपको टाइप करना है फाइंड माई डिवाइस, ठीक है। फाइंड माई डिवाइस जैसे ही आपका ऑप्शन आ जाएगा आपको नीचे जाना है और इधर फाइंड माई डिवाइस गूगल पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। अगर आपका ये वाला जीमेल आईडी इसमें भी लॉगिन है तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ओनली जो भी मोबाइल ये वाला है इधर सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। तो अगर आपका ये वाला जीमेल आईडी नहीं है तो आपको दूसरा जीमेल आईडी है इसमें, तो आपको इधर मैनेज गूगल अकाउंट में जाके आपको ये वाला जीमेल आईडी, ये वाला मोबाइल का जो जीमेल आईडी है इधर दे देना है। देने के बाद आपका मोबाइल जो है ऐसे लोकेट कर लेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, इधर चल जाना है और जाने के बाद जो भी मोबाइल आपका लोकेट हो चुका है आपको ऐसे आपको आ जाना है। देखिए, इधर फाइंड माई डिवाइस में क्लिक किया और क्लिक करने के बाद इधर जो है नीचे दिखा रहा है, देखिए इराइस, देखिए इधर जो है इराइस डिवाइस दिखा रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, इराइस डिवाइस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको क्या करना है, इराइस डिवाइस पर इधर और एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप और एक बार क्लिक करोगे, इधर जो ये वाला मोबाइल में जो जीमेल आईडी है उसका पासवर्ड और एक बार मांगेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर जीमेल आईडी पासवर्ड देने के बाद क्लिक करोगे तो आपका मोबाइल में आएगा इराइस। इराइस पे जैसे ही क्लिक करोगे आपका मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा और आपका मोबाइल जो है ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। आपका मोबाइल में जो भी डाटा है निकल जाएगा और आपका पिन पैटर्न पासवर्ड लॉक जो है खुल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे ऐसे मोबाइल के बारे में अच्छा अच्छा वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।